Hello everyone, I am Shweta. So my today's presentation is for class 3 subject English reader. The name of the book is Together With. The name of the topic is lesson 1, the lark's nest. So let's start with lecture number 7. The story is the lark's nest. Lark's means a small brown color bird which is known for its सिंगिंग. लार्क जो है एक छोटी सी पक्षी का नाम है जो अपने मीठे गाने के लिए जानी जाती है. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द लार्क्स नेस्ट. द लार्क्स नेस्ट मीन्स लार्क का घोंसला. नाउ लेट सी द ऑफ द स्टोरी. नंबर 1 इज नरेटर. नरेटर कौन है? हु इज नरेटर? जो इस कहानी को सुना रहा है दैट पर्सन इज नरेटर. हेयर आई एम द नरेटर. मैं इस कहानी को सुना रही हूँ. सो आई एम द नरेटर. सेकेंड वन इज फार्मर. ओनर ऑफ द व्हीट फील्ड. राम फार्मर सन. रघु फार्मर सन. फिफ्थ कैरेक्टर इज मदर लार्क. बेबी लार्क 1, बेबी लार्क 2. So here, as you can see in the first picture, there is a farmer with his two sons. एक farmer है अपने दो बच्चों के साथ, राम एंड रघु. The name of the sons are राम एंड रघु. राम और रघु जो है वो किसान के दोनों बेटे हैं. In the second picture, you can see the mother lark is sitting in her nest with her two babies, lark 1 and lark 2. Second picture में लार्क बैठी है. अ बर्ड इज सिटिंग इन हर नेस्ट विद हर टू बेबीज. उनके अपने दोनों बच्चों के साथ, बेबी लार्क 1 एंड बेबी लार्क 2. लेट्स सी द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी अगेन. नंबर 1 इज नरेटर. हु इज नरेटर? जो इस कहानी को सुना रहा है. सो आई एम द नरेटर हियर. सेकेंड वन इज फार्मर. ओनर ऑफ द व्हीट फील्ड. खेत का मालिक. थर्ड वन इज राम. फोर्थ वन इज रघु. राम एंड रघु आर द फार्मर सन. फिफ्थ वन इज मदर लार्क. सिक्स्थ वन इज बेबी लार्क 1, बेबी लार्क 2. सो दीज टू आर बेबीज ऑफ द मदर लार्क. नाउ लेट्स रीड. अ लार्क हैड अ नेस्ट इन अ व्हीट फील्ड. एवरी डे शी लेफ्ट हर टू यंग वंस एंड वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड. एज द व्हीट राइपेंड मदर लार्क बिकेम worried. A lark had a nest in a wheat field. Lark का जो है वो गेहूं के खेत में एक घोंसला था. Every day she left her two young ones and went out in search of food. और वो हर दिन खाने की तलाश में दोनों बच्चों को छोड़ के जाती थी. As the wheat ripened, mother lark became worried. और जैसे गेहूं के खेत पकने लगे, mother lark जो है वो चिंतित हो गई. मदर लार्क. नाउ सी व्हाट मदर लार्क इज सेइंग. द व्हीट इज राइपनिंग. वेरी सून द फार्मर विल बी हेयर. यू मस्ट बी केयरफुल. ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट हैपन्स हेयर एंड टेल मी एवरी वर्ड दैट यू हियर. मदर लार्क कह रही है गेहूं जो है अब पकने लगे हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पे फार्मर आ जाएगा. तुम दोनों को अब सावधान रहना चाहिए. यहाँ पे जो भी बातें होती हैं सब कुछ ध्यान से सुनो और उसका हर एक बात मुझे बताना. वन डे व्हाइल द मदर लार्क वॉज अवे फार्मर केम टू सी हिज क्रॉप. और एक दिन जब मदर लार्क बाहर थी खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी, द फार्मर केम टू सी हिज क्रॉप. और फार्मर जो है अपने खेत को देखने के लिए आया. अब देखो फार्मर जो है वो क्या कह रहा है. फार्मर अपने बेटी रघु से कह रहा है, रघु आवर क्रॉप हैज राइपेंड. इट इज टाइम टू कट आवर ग्रेन. गो एंड टेल आवर नेबर्स टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो टू हेल्प अस टू रीप इट. रघु यस फादर. तो फार्मर ने अपने बेटे रघु से कहा कि हमारे खेत में फसल अब पक चुके हैं, अब इसे काटने का टाइम आ गया है. जाओ और अपने पड़ोसियों को बोल दो कि कल सुबह हम फसल काटेंगे. तो रघु ने कहा, जी पिताजी. That evening when the mother lark came back, her babies looked scared. और उस शाम जब मदर लार्क वापस आई तो उसके दोनों बच्चे बहुत ही डरे हुए दिख रहे थे.
Baby Lark 1. तो Baby Lark 1 ने क्या कहा? Mother, the farmer is going to call his neighbors tomorrow. They will help him to cut his crop. तो Baby Lark 1 ने अपनी मदर से कहा कि कल फार्मर अपने पड़ोसियों को बुला रहा है. They will help him to cut his crop. और वे उनकी हेल्प करेंगे फसल को काटने में. Mother Lark. Then there is plenty of time. Don't worry. Go to sleep. तो मदर लाक ने कहा, हमारे पास बहुत समय है, तुम चिंता मत करो और जाके सो जाओ. तो दूसरे बेबी लाक 2 ने क्या कहा, Why do you say so, mother? तो उसने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, mother? Then mother lark, If the farmer waits for his neighbors to help him, there is no danger of the grain being harvested tomorrow. अगर फार्मर अपने नेबर्स को हेल्प के लिए बुला रहा है तो इसमें कोई खतरा नहीं है, कल जो है वो ग्रेन हार्वेस्ट नहीं होंगे. After a few days, the farmer and his sons came again. They found that the wheat was ripe and nothing had के बाद जो है वो फार्मर फिर से अपने बेटे के साथ आया और उसने क्या देखा कि खेत में फसल की कटाई नहीं हुई है. रघु, अब देखो रघु क्या कह रहा है अपने पिताजी से. Father, the neighbors have not harvested the grain. पिताजी, हमारे पड़ोसियों ने फसल को नहीं काटा है. Farmer, there is not a moment to be lost. We cannot depend on our neighbors. Ram, we must call in all our relatives. Go and inform them that we will harvest our grain tomorrow. तो फार्मर ने कहा कि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय बर्बाद करने के लिए नहीं है. हमें अपने पड़ोसियों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए. हमें जाके राम जाओ तुम अपने रिलेटिव्स को बुला के लाओ. Go and inform them that we will harvest our grain tomorrow. हाँ, उन्हें अपने रिश्तेदारों को बुला के लाओ और उन्हें बता दो कि कल हम अपने फसल को काटेंगे. राम, Yes, father. तो राम ने कहा, जी पिताजी. That evening, फिर उस शाम, baby lark one. फिर से बेबी, दोनों बेबीज जो थे वो फिर से डरे हुए थे. जैसे ही उसकी मदर आती है, मदर, We are in danger. हम खतरे में हैं. Tomorrow the farmer will call his relatives to harvest the grain. कल जो है फार्मर अपने relatives को बुला के लाएगा फसल को काटने के लिए. फिर से मदर लाक ने क्या कहा, Do not let it frighten you, my dear. You will be safe tomorrow. तो मदर लाक ने कहा, तुम इससे डरो मत मेरे प्यारे बच्चे. You will be safe tomorrow. तुम कल बिल्कुल सुरक्षित रहोगे. बेबी लाक 2, हाउ कैन यू बी सो श्योर मदर. तो दूसरी बेबी ने कहा कि आप इतने श्योर कैसे हो मदर. तो मदर लाक ने कहा, चाइल्ड, द रिलेटिव्स मस्ट बी हार्वेस्टिंग देयर ओन क्रॉप्स, बट आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुली टू वॉट यू हियर द नेक्स्ट टाइम. बी श्योर टू लेट मी नो एवरी थिंग. तो मदर लाक ने कहा कि जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो अपने फसल काट रहे होंगे. सो डोंट वरी, आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुली. मैं चाहती हूँ कि तुम हर बात को ध्यान से सुनो कि यहाँ पे फार्मर जो है वो अपने बेटे के साथ क्या बात कर रहा है. वो हर एक एक शब्द को अच्छे से सुनो और मुझे बताना. बेबी लाक्स टुगेदर. दोनों बेबी कहते हैं, यस मदर. वेन द फार्मर केम The next day he found his grain almost ready to fall to the ground. और फिर से जब अगले दिन फार्मर खेत में आता है तो उसने देखा कि उसके फसल पक चुके हैं और बिल्कुल जमीन पे गिरने को हो रहे हैं. Farmer, the grain is ready to be cut. We cannot wait for our neighbors. तो फार्मर ने कहा, the grain is ready to Be cut. We cannot wait for our neighbors. तो फार्मर ने कहा कि हमारे फसल जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कटने के लिए. हम अपने नेबर्स और रिलेटिव्स पे डिपेंड नहीं कर सकते. रघु, गो विद राम टू द बार्न राइट नाउ एंड शार्पन आवर सिकल्स. एट डाउन
we shall get to work and harvest the grain ourselves. तो फार्मर ने अपने बेटे से कहा, जाओ और खलियान से हमारे जो सिकल्स हैं, जिससे हम खेतों में फसल को काटते हैं, that is called sickles, उसे शार्प करके लेके आओ. हम अपने रिलेटिव्स पे डिपेंड नहीं कर सकते. शाम होते ही हम अपने फसल को खुद ही काटेंगे. In the evening, baby lark one very worried. अब baby lark one फिर से उस शाम को baby lark one बहुत ही चिंतित थी. Mother, tomorrow morning the farmer and his sons will harvest the crop themselves. तो baby lark one ने कहा, mother, कल जो है कल सुबह फार्मर जो है अपने बेटे के साथ क्रॉप को खुद ही काटेंगे. बेबी लार्क टू, मदर आई एम स्केयर्ड, व्हाट शैल वी डू. तो दूसरी बेबी ने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए. मदर ने कहा, चिल्ड्रन इट इज टाइम टू बी ऑफ. तो मदर ने कहा, बच्चों अब ये समय उड़ने का है. द फार्मर हैज लर्नड हिज लेसन, फार्मर ने अपनी लेसन अपना लेसन सीख लिया है. He has made up his mind to undertake the work himself. Farmer ने ये सीख लिया है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए. This time the grain will surely be cut. इस समय जो है फसल पक्के तरह से कट जाएगा. We must move our nest. हमें अपना घोंसला दूसरी जगह लेके चलना चाहिए. So the mother lark moved her nest. The next morning the farmer and his sons came with their sickles and harvested the waste wheat. और अगले दिन जो है मदर लार्क अपने घोंसले के साथ वहां से चली जाती है. और अगली ही सुबह फार्मर जो है अपने दोनों बेटों के साथ वहां पे सिकल्स लेके फसल की कटाई करते हैं. So, what is the moral of the story? The moral of the story is self-help is the best help. In this story, the farmer was depending on his relatives and his neighbors. Farmer जो है पहले अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों पे डिपेंड कर रहा था अपना काम करवाने के लिए. लेकिन ना उनके रिलेटिव्स आए और ना ही उनके नेबर्स आए फसल को काटने के लिए. सो व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी, वी आर लर्निंग फ्रॉम द स्टोरी दैट सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. हमें अपनी मदद खुद करनी चाहिए. हमें कभी भी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि ये मेरा काम कर देगा या दूसरा कोई मेरा काम कर देगा. नो, वी शुड डिपेंड ऑन आवर सेल्फ. हमें खुद पे ही निर्भर होना चाहिए अपने काम करने के लिए. जब हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं तो हमारा काम कभी भी सही और करेक्ट टाइम पे नहीं होता है. लेकिन जब हम अपना काम खुद करते हैं, देन वी कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. अगेन, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. So let's see your homework. Your homework is answer the following questions. Question number one is, where did the mother lark go every day? Mother lark daily कहाँ जाती थी? वो कहाँ जाती थी? अपना खाना ढूँढने जाती थी. So you have to write the answer in your rough notebook. Now see the question number two. What did the mother lark ask her children to do when she was away? मदर लार्क ने अपने दोनों बच्चों से क्या कहा था करने के लिए जब वो वहां पे नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हाई डिड द फार्मर आस्क हिज सन टू कॉल द नेबर्स. फार्मर ने अपने बेटे से क्यों कहा पड़ोसियों को बुला के लाने के लिए. नंबर फोर्थ इज, व्हाई डिड द राइपनिंग व्हीट वरी द मदर लार्क. खेतों गेहूं के खेत
से पकने से मदर लाख चिंतित क्यों हो रही थी? क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? हम इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इन योर रफ नोटबुक. लेट्स रिपीट द क्वेश्चन अगेन. वेयर डिड द मदर लार्क गो एवरी डे? मदर लार्क रोजाना कहाँ जाती थी? क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द मदर लार्क आस्क हर चिल्ड्रन टू डू व्हेन शी वाज अवे? मदर लार्क ने अपने बच्चों से क्या कहा करने के लिए जब वो वहां नहीं होती थी? तो व्हाट डिड द फार्मर आस्क हिज सन टू कॉल द नेबर्स? फार्मर ने अपने बेटे से पड़ोसियों को बुलाने के लिए क्यों कहा? Why did the ripening wheat worry the mother lark? खेतों के पकने से मदर लार्क चिंतित क्यों थी? What is the moral of the story? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? So this is your homework and you have to write down answers in your draft notebook and we will discuss its answer in our next lecture. Thank you and have a nice day and you must have enjoyed watching this video.